न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया हीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भीषण ठंडी के बीच भी टी शर्ट पहनकर क्यों घूम रहे हैं, ये बीते कई दिनों से केबीसी का सवाल बनकर घूम रहा है। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है तब से लगातार वो टी शर्ट में ही दिखे हैं, खासकर तब जब उनकी यात्रा उत्तर भारत में पहुंच चुकी है जहां पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही है। अब जबकि यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है तो लोगों की नजर यात्रा पर है, आखिर क्या वो फिर से कुछ पहनेंगे या नहीं। लेकिन शुक्रवार को पहली बार जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जैकेट में नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर बवाल हो गया। उनकी काली जैकेट की फोटो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई। एक दूसरे से लोग सवाल पूछने लगे, आखिर अब राहुल गांधी को सर्दी लगने ही लगी और जैकेट पहन ही ली, जबकि वो खुद दावा कर रहे थे कि सर्दी से डरते नहीं हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती। ये तस्वीर आप भी देखिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर की सीमा के अंदर पहुंच चुके हैं। उनके पीछे भारी भीड़ नजर आ रही है और जिसमें वो टी शर्ट की बजाय जैकेट में दिख रहे हैं। उन्होंने जैकेट क्यों पहनी है इसको लेकर भी सवाल खड़ा हो गया है। पार्टी सूत्रों की और यात्रा में साथ चल रहे लोगों का दावा है कि इसके पीछे की वजह बारिश थी। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा जम्मू कश्मीर के कठुआ से लखनपुर से शुरू हुई थी। यात्रा शुरू होने के कुछ ही देर बाद बारिश होने लगी। इस बारिश से बचने के लिए राहुल गांधी को कार्यकर्ताओं ने ही काली जैकेट पहना दी। हालांकि जैकेट पहनने वाली तस्वीर के आने के कुछ ही देर बाद एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो अपनी जैकेट को उतारते हुए दिख रहे हैं। पार्टी की माने तो राहुल गांधी ने जैकेट नहीं बल्कि रेनकोट पहना था, जो कि राहुल गांधी ने कुछ देर बाद बारिश की वजह से पहना था, लेकिन बाद में फिर उसे उतार फेंका। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने राहुल गांधी की पहनी हुई जैकेट यानी रेनकोट की कीमत तक का पता लगा लिया है। लल्लन टॉप के मुताबिक राहुल गांधी ने जो रेनकोट पहना हुआ है उसकी वाटरप्रूफिंग रेटिंग 200 mm की है। कंपनी दावा करती है कि ये रेनकोट पहनने वाले को हल्की फुल्की बौछार से बचा सकता है। वहीं आंकड़ों में समझें तो इसे पहनने वाले को ये 1 घंटे में 6 mm की बारिश से बचाने में सक्षम है। ये रेनकोट रिसाइकल्ड प्लास्टिक की बोतलों से और यूज्ड कपड़ों से बनाया गया है। इस रेनकोट की सबसे खास बात यह है कि ये मुट्ठी भर के बैग में आराम से आ जाता है। आप इस रेनकोट को डेकैथलॉन की वेबसाइट से 599 रुपए में खरीद सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी के इस रेनकोट की चर्चा चारों तरफ हो रही है। इस बीच देश भर में जब मौसम बदला हुआ है तो वहीं जम्मू पहुंचकर भी राहुल का जैकेट ना पहनना बड़ी चर्चा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में जहां हालात ये हैं कि कई जगह तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है तो राहुल कब जैकेट पहनेंगे ये देखने वाली बात होगी। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।